4G TDM mode is here. व्हाट्सएप टेरर आर्मी टेरर ट्रिपल एक्सिस है। तो कैसे हो मेरे भाइयों, भाई आपका भाई आ चुका फिर से एक दासू धमाकेदार धड़ाकेदार वीडियो के अंदर। गाइस यहां पे हम बात करने भाई पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। यहां पे gemwire.gg पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट है भाई पबजी मोबाइल इंडिया के रिलेटेड। उसी के साथ बात करेंगे भाई 4G के अंदर TDM मोड आने वाला है। आज उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है, तो दोनों के दोनों चीज़ों को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। उसी के साथ सबसे पहले भाई आपको दिल से बहुत ही बड़ी माफ़ी, क्योंकि आज मैं वीडियो बनाने वाला था ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड, ई स्पोर्ट्स की सब चीज़ें बताने वाला था, लेकिन भाई जो 4G के बारे में अपडेट आया और कुछ पर्सनल इश्यू आने की वजह से भाई मैं उस वीडियो की कुछ चीज़ें भाई लोग जो मैं कुछ इकट्ठी नहीं कर पाया, उसी वजह से भाई ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड वीडियो वो कल आएगी, तो उसके लिए दिल से माफ़ी। उसी के साथ भाई आज की वीडियो में बात करने वाला जो मैंने आपको बता दिया 4G के बारे में और पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में, तो भाई वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए। मेक श्योर ये वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना भाई लोगों। चैनल पर नए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबा दो। तो चलिए भाई बिना बकचोदी किए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते भाई लोग यहाँ पे 4G के बारे में। आज एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई, आज अक्षय कुमार जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ऑफिशियल ट्वीट करके कह दिया कि भाई 4G के अंदर TDM मोड बहुत ही जल्दी आने वाला है, और उसका एक छोटा सा वीडियो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया क्या क्या कैसा होगा, वो सब आपने वीडियो में देख लिया होगा भाई लोग। उसी के साथ यहाँ पे उन्होंने एक और बात कही, बैटल फील्ड TDM होगा, यानी कि गन्स उसमें होगी और उसमें 5v5 TDM होगा, जिसमें जैसे आप जानते हो पबजी मोबाइल में कैसे 4v4 TDM होता है, इसमें 5v5 TDM होगा, और हमें सेम जैसा ही एक्सपीरियंस पबजी मोबाइल में आता था वैसा ही एक्सपीरियंस हमें इस गेम में देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगी बात कि एक इंडियन गेम में भी भाई पबजी जैसा कुछ बैटल रॉयल अंदर आने वाला है। हाँ भाई मैं मानता हूँ कि 4G जब पहले लॉन्च हुआ था भाई लोग स्टोरी मोड में, तो बहुत सारे ऐसे पबजी लवर्स थे या फिर के बहुत सारे ऐसे गेमिंग क्रिएटर्स थे जिनको थोड़ा सा बहुत दुख पहुंचा था कि भाई जैसा एक्सपेक्टेशन था 4G से वैसा नहीं आया। लेकिन यहाँ पे जो अगले अपडेट आने वाले हैं 4G में, जैसे आप जानते हो 4G में TDM बहुत ही जल्द आने वाला है, जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हो गई, उसी के साथ भाई लोग यहाँ पे आने वाले कुछ अपडेट्स जिसमें मल्टीप्लेयर गेम्स भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें आप इरेंगल जैसा ही एक मैप खेल सकोगे, वैसा अपडेट भी भाई फ्यूचर में हमें 4G में देखने को मिलेगा, ये बात कन्फर्म है। उसी के साथ भाई लोग यहाँ पे ये बात आपको खास बता दूँ, आप 4G को हेट मत करना, क्योंकि वो मोस्ट प्रोबेबली एक इंडियन गेम है, इंडियन गेम को पहला सपोर्ट बनता है। उसी के साथ इंडियन गेम तो है लेकिन भाई अभी वो ग्रोथ में है। आप जानते हो पबजी जब आई थी पबजी का सिचुएशन भी थोड़ा सा ग्राफिक में इतना ही था। मैंने पबजी खेला season 6 से शुरू किया, तो मेरे को उतना पक्का पता नहीं था, लेकिन मेरे को ग्राफिक्स के बारे में कुछ ना कुछ अंदर से जानकारी मिली है। जब पहले 4G आई थी तो उसमें 4G स्टाइल ग्राफिक्स था, स्टोरी मोड नहीं था, उसमें बैटल रॉयल था, इसलिए थोड़ा उसमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और वो वैसा ही चला। लेकिन यहाँ पे स्टोरी मोड है, लेकिन आगे आने वाले अपडेट 4G में बहुत ही अच्छे होने वाले, ये मेरी गारंटी है, या फिर क्या बहुत अच्छा आएगा 4G के अंदर कुछ भी। तो आप बिना सोचे समझे किसी को भी रेटिंग में डाउन मत करो, मोस्ट प्रोबेबली इंडियन गेम है भाई, इंडियन गेम को सपोर्ट करो। हाँ जानते हो भाई पबजी लवर डिसअपॉइंटेड है, हम भी जानते हैं, मैं खुद एक पबजी लवर हूँ, हम भी दुखी हुए थे, लेकिन भाई सपोर्ट करना बनता है, एक अंडर डेवलपमेंट गेम है, और वो भी हम इसको डेवलप पबजी की तरह करेंगे तो हो सकता है। वैसे इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो, क्या 4G पबजी को टक्कर दे सकता है, ऐसा होगा? वैसे आप लोग अपने ओपिनियन कमेंट में लिख सकते हो। अगर 4G इस तरह ही जल्दी से अपडेट करते रहे तो मुझे तो लगता है भाई पबजी को वो टक्कर दे सकता है। वैसे आप लोगों का अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो चलिए भाई इसमें तो भाई लंबी फाइट चलती रहेगी, इसमें तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, 4G पबजी तो चलता ही रहेगा। अब सिंपली बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है भाई पबजी मोबाइल इंडिया के रिलेटेड। आज gemwire.gg पे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई, जिसे भाई पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर एक और बंदा हायर किया गया, अनीश टंडेल। अब आप लोगों का क्वेश्चन यही होगा भाई लोग कितने बंदे हायर करोगे, क्योंकि आप जानते हो आप लोगों को सिर्फ गेम चाहिए, गेम आप लोग यही सोच रहे हो गेम कब आ रहा है। आप ये सुन के थक चुके हो भाई, कब बंदे, कितने बंदे, कब, कैसे, कहाँ पे, ये वो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ गेम चाहिए, वो हम न्यूज़ नहीं जानना चाहते। तो आपके लिए एक अच्छी बात बता दो भाई लोग, ये जो बंदे हायर हो रहे हैं ये एक्सपीरियंस बंदे हो, और इनसे ही एक्सपीरियंस लिया जा रहा है, ऐसे ऐसे फेरफार करने से ऐसे ऐसे बेनिफिट्स होंगे,
तो भाई लोग उनसे यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया जा रहा है, उनसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गेम में जिस तरह के अपडेट चाहिए वो उनसे एक्सपीरियंस के साथ बात की जा रही है, और वैसे वैसे फेरफार करते जा रहे हैं। अभी आपका जो हेडक्वार्टर का जो मेन ऑफिस था उसको भी चेंज कर दिया गया, अब ऐसी जगह पे ऑफिस आ चुका है, वहाँ पे भाई बहुत बड़े बड़े कंपनी के ऑफिस है ऑलरेडी, तो आप समझ सकते हो वहाँ पे ऑफिस लेना कोई इतनी क्या कहे आसान बात नहीं है। और आप ये भी समझ सकते हो कि अगर उनको गेम को नहीं लॉन्च करना होता तो अब तक वो ऑफिस चेंज नहीं करते, और इसमें जो अपडेट आ रहे हैं अभी कंपनी इस बंदे को भी हायर नहीं करती, तो मुझे लगता है भाई पबजी मोबाइल इंडिया 100% लॉन्च होगा। और ये भी रूमर यहाँ पे कंफर्म तो नहीं कह सकते, छोटा सा नहीं बड़ा रूमर है कि 28 फरवरी को कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है। अब देखो कहाँ से कैसे वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये इतना बड़ा रूमर निकल के आ रहा है कि भाई 28 फरवरी को कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है क्राफ्टन की साइट से। वैसे आपको पता हो तो भाई नेक्स्ट वीक एक PUBG Mobile 2 के बारे में भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आने वाला है, तो देखो उसकी सच्चाई क्या है। भाई ऐसा हो सकता है 28 फरवरी को दोनों के दोनों आना उसमें हमें एक साथ दिख जाए, या फिर PUBG Mobile इंडिया की आना उसमें टाइम, या फिर कुछ और आ ही ना। अब देखो भाई लोग ये रूमर से कंफर्म तो कोई कह नहीं सकता आपको, क्योंकि अंदर से कोई कंफर्म न्यूज़ क्या कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन एक रूमर ये निकल के आ रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आप समझ सको सिचुएशन कैसी, सिचुएशन क्या है और अभी कहाँ पे गेम है। तो देखो भाई लोग यहाँ पे आपको बताऊं तो अभी कुछ दिनों पहले क्रोंटन भाई ने अपने स्ट्रीम पे कहा था अगर मार्च तक गेम नहीं आया, 31 मार्च तक अगर मान लो गेम नहीं आया तो भाई वो 31 मार्च के बाद पबजी को छोड़ देंगे, और उन्होंने अपनी टीम से भी ये दिया कि भाई वो पबजी को छोड़ के कोई और गेम पसंद कर ले। आप ये समझ सकते हो भाई इतना बड़ा क्रिएटर गेम ऐसे छोड़ दे ऐसा तो मुमकिन नहीं है। भाई यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि भाई मार्च से पहले हमें PUBG Mobile इंडिया देखने को मिल जाएगा। अब देखो भाई लोग किस दिन आएगा, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब आएगी, गेम के रिलेटेड न्यूज़ कब आएगी वो कोई नहीं जानता। भाई लोग गेम के जो अंदर काम कर रहे एम्प्लॉइज उनको भी शायद पता नहीं होगा, तभी तो ये हो रहा है। मेरे को भी हंसी आ रही है भाई लोग, तो समझ रहे हो आप ये सब न्यूज़ अभी के है तो कुछ किसी को अंदर से कोई न्यूज़ ही नहीं मिल रही है। हाँ अभी छोटे से रूमर आ रहे हैं, जो रूमर हम आपको बता रहे हैं और ये सिचुएशन हम आपको क्या कहे मुआवजा कर रहे हैं कि ये हो रहा। तो देखो भाई लोग जो लेटेस्ट और बड़े अपडेट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए क्या सिचुएशन है PUBG Mobile के बारे में। उसी के साथ आपको पता हो भाई 4G के अंदर TDM मोड आने वाला है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आपको अब तक वीडियो पसंद आया भाई? हाँ भाई वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि मैंने जो न्यूज़ दी भाई आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबा दो। तो भाई बस आज का वीडियो यही रखते भाई लोग, तब तक के लिए कीप वॉचिंग XXX। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, जय हिंद, वंदे मातरम भाई लोग।